Live 26. Ab entertainment kabhi bhi kahin bhi. I think mere jaise independent artist ko yahan pe aane ke liye bulana aur award ke liye bolna hamare sab independent jitne bhi artists hain unke liye bahut badi baat hai aur आई अप्रिशिएट कि आप लोगों ने दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड ने आज मेरे को एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट एंड एज अ बॉलीवुड सिंगर यहाँ पे बुलाया और ऐसे अवार्ड्स इन अवार्ड्स के साथ आर्टिस्ट को बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलती है. इन अवार्ड्स के साथ आर्टिस्ट को और अच्छा काम करने के लिए प्रेरणा मिलती है और अपने देश को कैसे रिप्रेजेंट करना है और अच्छे तरीके से वो सीखने को मिलता है और बहुत बड़ी बात है यार मेरे लिए. तो इट्स अ बिग थिंग फॉर मी. आई थिंक अवार्ड्स जीतने से ज़्यादा अच्छा है अच्छा गाना देने के लिए और ऑडियंस उस गाने को प्यार करे. वो रोज़ का अवार्ड है एज एन आर्टिस्ट अगर आप मुझसे पूछते हो तो. हाँ बट ऐसे अवार्ड्स जिससे आपकी फैमिली आपका गांव आप जहां से आए हो वो खुश होते हैं ये भी ज़रूरी है. और मैं बहुत ही लकी अपने आप को समझता हूं कि हिंदुस्तान की ऑडियंस मेरे गानों को सुन रही है अपना टाइम दे रही है और मेरे जैसे बहुत सारे आर्टिस्टों को सपोर्ट कर रही है क्योंकि हमारा जो कुछ भी है वो ऑडियंस के साथ ही जुड़ा हुआ है और आई थैंक एवरीबडी इतना प्यार करने के लिए गानों को. मैंने अभी बताया कि मैं 2012-13 से गा रहा हूँ. 15-16 में मुझे रिकग्निशन मिली और आज 2019 में मुझे एक ऐसा अवार्ड मिल रहा है जिसको पाने के लिए आई थिंक एवरीबडी वर्क हार्ड एंड मैं और मेरे साथ साथ मेरा सारा गांव प्राउड फील कर रहा है और आई विल मेक श्योर कि मैं उन सबको ऐसे प्राउड फील करवाता रहूँ एवरी डे by making good music, by making music जो सब सुन सकें, बच्चे भी सुने, मेरे जैसे भी सुने और बूढ़े लोग भी सुन सकें ताकि मैं किसी ना किसी तरीके हर एक genre को entertain कर सकूँ. मैं जब भी क्योंकि मैं बहुत ही छोटा हूँ ऐसी चीज़ के ऊपर कोई भी अपना एक आंसर देने के लिए, बट हाँ हमारे जवान हमारे लिए वहाँ पे खड़े हैं एंड जब भी ऐसा इंसिडेंट होता है मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि ऐसा कुछ भी ना हो हमारे देशों में हमारे बॉर्डर पे शांति बनी रहे ताकि हमारे ही जो भाई वहाँ पे हमारे लिए खड़े हुए हैं वो हमेशा खुश रहें और अच्छे तरीके से अपने देश की सेवा कर सकें. और आई थिंक भगवान से ज़्यादा इस चीज़ को कोई भी ठीक नहीं कर सकता. अगर भगवान आज चाहें तो सब कुछ ठीक हो सकता है. सो हमें सबको उस जिस भी भगवान को हम मानते हैं उनको प्रे करनी चाहिए कि जो हमें सेफ रख रहे हैं वो हमेशा सेफ रहे. उनके लिए गाना संदेश आते हैं हमें तड़पाते हैं जो चिट्ठी आती है के पूछे जाती है के घर कब आओगे लिखो कब आओगे के तुम बिन ये घर सूना सूना है. जय हिंद. थैंक यू.